पत्तियां जो होती हैं वो पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार, सरल पत्तियां और संयुक्त पत्तियां। तो सरल और संयुक्त के बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं, अब बात कर रहे हैं पर्ण विन्यास के आधार पर। किसके आधार पर? ये पत्तियों पर जो पादप होता है, पादप पर पत्तियों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं बेटा? पर्ण विन्यास। और ये जो पत्तियों का जो लगने का जो क्रम होता है वो कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। कितने प्रकार का? एकल, सम्मुख और चक्राकार। अगर हम बात करें किसकी? इस वाली पत्ती की। तो देखो इधर, इस वाली पत्ती में जो ये तना निकल रहा है, जो इसकी शाखाएं निकल रही है, इस शाखाओं पर ये पत्ती अकेली लगी हुई है ना। इसके सामने आगे पीछे यहाँ पर कोई पत्ती है? ये अकेली, ये सिंगल, ये देखो ये सारी, ये तो इस वाली पत्ती के जो क्रम को है इसको क्या कहते हैं? एकांतर पर्ण विन्यास। कौन सा विन्यास? एकांतर पर्ण। तो ऐसा पादप जिन पर पत्तियां एकांतर क्रम में लगी रहे उनको क्या कहते हैं? एकांतर पर्ण विन्यास। और ये किसका पौधा है? सीताफल का। नेक्स्ट आगे चलो, अपना पौधा है ये किसका है बेटा? अमरूद, जामफल, अमरूद का, ठीक है। तो ये वाली जो शाखा है, अब इसमें देखो पत्तियाँ, इन पत्तियों के जो लगने का जो क्रम है, एक पत्ती के सामने कौन सी है? दूसरी पत्ती। एक पत्ती के सामने, अब जैसे इस पत्ती है, इस पत्ती का मुख है, इसके मुख के सामने एक और पत्ती, तो क्या कहेंगे? सम्मुख। तो जब पत्तियां एक के सामने एक लगी रहे तो इस प्रकार के पर्ण विन्यास को क्या कहते हैं? सम्मुख। सभी में ऐसा मिलेगा बेटा, एक दो, ये देखो ऐसे तीन, ये सभी में जो क्रम है ये कौन सा है? सम्मुख, ठीक है। तो ये जो अमरूद है इसमें कौन सा पर्ण विन्यास मिलता है बेटा? सम्मुख पर्ण विन्यास। कौन सा पर्ण विन्यास? सम्मुख पर्ण विन्यास बनता है, ठीक है। अब इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें जो पत्तियां हैं वो पत्तियां एक ही है, लेकिन इसका जो इस्तरिका वाला आवरण है, जैसे ये पर्ण फलक, ठीक है, तो पर्ण फलक वाला आवरण क्या है इसका? इस्तरिका जो बीच में क्या है? कटे हैं। तो कटने की वजह से एक ही पत्ती बहुत सारी पत्तियों में क्या हो गई? डिवाइड हो गई। तो जब एक पत्तियां किसके रूप में बनाए? एक चक्र के रूप में जाल बनाए, तो इस प्रकार के पर्ण विन्यास को क्या कहते हैं? चक्राकार पर्ण विन्यास। तो पत्तियों के जो पर्ण विन्यास, जो पत्तियों के जो लगने का क्रम होता है वो कितना होता है? तीन होता है, एकांतर, सम्मुख और कौन सा? चक्राकार। इस प्रकार हम किसके पत्तियों के क्रम को देखते हैं, सॉरी पत्तियों के क्रम को देखते हैं, तो पत्तियां कितने क्रम में डिवाइड होती है? तीन, एकांतर, सम्मुख, चक्राकार। तो ये किसको दर्शाता है? चक्राकार को दर्शाता है।